न जाने कितने अरसे के बाद इस तिजोरी का दरवाजा खोला गया था। तिजोरी खासी बड़ी थी और तकरीबन भरी हुई थी। इसके तीन में से एक खाने में मेरे दिए हुए डालरों की घड़ियां जमी हुई थी। इन घड़ियों के दरमियान में एक कागज पंसा हुआ था। मैंने कागज निकाल कर देखा तो उस पर डालरों के लेन देन की तफसील के साथ सलमा की तहरीर में यह भी लिखा हुआ था कि तिजोरी में मौजूद सारे डॉलर डैनी की मलकियत है। निचले खानों में मकामी करेंसी, तमस्कात, बॉन्ड्स और हिस्सेस के साथ बेशकीमत जेवरात के डिब्बे भी मौजूद थे। मैंने एक करीबी अलमारी से चादर निकालकर वो तमाम चीजें करीने से जमानी शुरू कर दी ताकि हर चीज सिमट कर मुख्तसर हो जाए। इन दोनों खानों को खाली करने के बाद मैंने तिजोरी की निचली तराज पर तवा आजमाई की, मगर वो मुकफिल थी। बारी बारी सब चाबियां आजमाने के बाद उस अंदरूनी दराज में भी वही चाबी लगी जो तिजोरी का कुफल खोलने में कामयाब हुई थी। इस दराज में इस्तेमाल शुदा और जेर इस्तेमाल चेक बुक्स के साथ इन दोनों की इंतहाई निजी तस्वीर वगैरह थी। मैंने पूरी जानदारी से इन तस्वीर वगैरह को देखे बगैर एक लिफाफे में मुंतकिल किया और फिर वो दराज भी खाली हो गई। मेरी मेहनत के बावजूद वो अंबार खासा बड़ा हो गया था। ये मुमकिन नहीं था कि आदमी हल्के फुल्के और बेपरवायाना अंदाज में इसे अपने साथ लिए जा सके। मैं सिगरेट सुलगाकर सलमा के मसहरी पर बैठा और फिर नीम दराज होकर सोचने में मसरूफ हो गया। इस पलंदे को मुख्तसर करने की एक ही सूरत थी कि जेवरात निकाल कर खाली डिब्बे तिजोरी में रख दिए जाते। इस तरह बाज नाजुक जेवरात के टूटने का खदशा जरूर था, मगर उन्हें आसानी से बाहर निकाला जा सकता था। नुकसान रसीदा जेवरात को मामूली से अखराजात के बाद ठीक कराया जा सकता था। जहांगीर ने मुझे अपनी चार दीवारी में वही एक काम बताया था। मैं उसे आखिर पर छोड़ने की बजाय सबसे पहले पाया तकमील को पहुंचाना चाहता था। फिर मैंने फोन करके जहांगीर से मशवरा करने का फैसला किया और दोबारा उसी की ख्वाबगाह में चला गया जहां दोनों फोन मौजूद थे। मालूम होता है कि तुम घर ही से फोन कर रहे हो। रिसीवर पर जहांगीर की चहकती हुई आवाज गूंजी। थोड़ी ही देर में उसकी सारी कनूतियत दम तोड़ चुकी थी। तुम्हारा रडार बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। मसला यह है कि सलमा की चीजें डिब्बों से निकालनी पड़ेंगी। डिब्बों का फैलाव बहुत ज्यादा है, मैंने इशारों में कहा। तब कुछ बर्बाद होने से बेहतर है कि कुछ बचा लिया जाए। मजबूरी यह है कि खुफिया चीजों का बीमा नहीं कराया जा सकता। ये सब कुछ तहफ्फुज के बगैर है। डिब्बों को आग लगाओ और अपनी सहूलत के मुताबिक जो चाहो करते रहो। सलमा कोई एतराज नहीं करेगी। अगर मुझे अंदाजा होता कि घर पहुंचना इतना आसान साबित होगा तो मैं भी यहाँ ईंटने के बजाय तुम्हारे साथ निकल पड़ा होता। अभी सिर्फ मैं आया हूँ, दूसरे आने वाले हैं। बस दुआ करते रहना कि हम यहाँ से खैरियत से निकल सकें। यह तजुर्बा बहुत सनसनीखेज महसूस हो रहा है। यूं मालूम हो रहा है जैसे मैं किसी के घर डाका डाल रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि यह फलंदा आज ही तुम्हें दे दूं। ऐसी हमाकत भूल कर भी ना करना। उसकी बुखलाई हुई आवाज आई। तुम्हें मालूम है कि आधी रात के बाद मुझे खुद अपना होश नहीं रहता। कोई भी खामोशी के साथ थैला उठाकर निकल जाएगा। मैं सलमा से बात करके तुम्हें कोई हल बताऊंगा। इस वक्त तक मैं ये मुसीबत अपने गले में लटकाए बैठा रहूं। तुम बिलावजह घबरा रहे हो, उसका लहजा मुझे पुचकारने वाला था। ड्राइंग रूम वाले बंद कैबिनेट से डिलक्स की चंद चुस्कियां लोगे तो तुम्हारा हौसला बढ़ जाएगा। बीवी पर रोब डालने के लिए गैर जरूरी परहेजगारी का मुजाहरा मत करो। चार दिन में निकम्मे होकर रह जाओगे। परहेजगारी नहीं, ये जरा सी एहतियात है। मैंने पीने में कमी करने का इरादा कर लिया है। वह जोर से हंसा, ये खुद फरेबी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। चखने के इरादे से इब्तदा करोगे और फिर अपनी पुरानी रविश पर चल पड़ोगे। मैंने उसकी बात काट दी। मुझे अपने फलंदे की भी फिक्र है, दोनों मसले हल हो जाएंगे, उसने मुझे तसल्ली दी। इसकी फिक्र ना करो, इसमें से इतना माल जरूर निकाल लेना कि दो चार महीने तक कोई परेशानी ना हो। गुफ्तगु तवील होती जा रही थी। मैं नहायत चाबक दस्ती से बातों का रुख मोड़ा और फिर पहला मुनासिब मौका मुझे सराते ही सिलसिला मुनकता कर दिया। फोन रखते ही कहीं से हारन की मानूस आवाज उभरी। वक्फे वक्फे से वही हारन तीन बार बजा। फिजा में आईनी पाठक से छेड़छाड़ की छनकार गूंजी और मैंने ड्राइंग रूम की तरफ दौड़ लगा दी। मैंने बुलेट गिराकर ड्राइंग रूम का दरवाजा खोला तो जहांगीर की काली अकार्ड गेट अबूर करके पोर्च में आकर रुकी थी और उस आईनी फाटक को बंद किया जा रहा था। गाड़ी से उतरते हुए हथियारों के थैले साथ लेना नहीं भूले थे। इन तीनों को ड्राइंग रूम में बुलाने के बाद मैंने इशारे से दोनों गार्ड्स को वहीं बुला लिया। वो तीनों जिस तरह वहां पहुंचे थे, दोनों मुहाफिजों को उनकी झलक देखने का भी मौका नहीं मिल सका होगा। उन्हें चंद रोज के लिए वहीं रहना था और वक्त न वक्त बाहर निकलने की जरूरत पेश आ सकती थी। ये जरूरी था कि मुहाफिज इन्हें अच्छी तरह पहचान लेते। ये तीनों मेरे दोस्त हैं, मैंने मुहाफिजों से कहा। इन्हें हर वक्त यहाँ से आने जाने की आजादी होगी। आने वालों से तुम यही कहोगे कि मकान खाली और मुकफिल है। एक बात और, मेरे खामोश होते ही वीरान रुकमा दिया। ये जरूरी नहीं कि हम आमतौर पर के लिए हर बार पाठक इस्तेमाल करें। जरूरत और राजदारी के तहत दीवारें भी फांदी जा सकती हैं। दोनों मुहाफिज उकाबी नजरों से बारी बारी इनका जायजा ले रहे थे, जैसे तीनों नई सूरतें ज़हन नशीन करने की कोशिश कर रहे हो। हम इन बातों को समझते हैं, दुरुस्त रू गार्ड ने नरमी से कहा, लेकिन दीवार फांद कर अंदर आने के लिए कोई इशारा मुकर्रर करना पड़ेगा ताकि दोस्त और दुश्मन की तमीज हो सके। इशारा भी तुम ही तजवीज कर दो तो बेहतर रहेगा, मैंने कहा। उसने अपनी जेब से एक चिपटी सी सीटी निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दी। फिलहाल ये एक ही है, कल मैं दूसरी भी ला दूंगा। इसमें से मेंढक की हल्की सी टटराहट ऊपर दिखे।
इसकी आवाज सुनते ही हम समझ लेंगे कि बाहर कौन है। मैंने सीटी दांतों में दबाकर हल्की सी फूंक मारी और फिजा में मेंढक की अधूरी आवाज गूंज कर रहेगी। उसने बहुत आसानी से हमारा मसला हल कर दिया था। हमें सीटी कंपनी देती है ताकि खतरे की सूरत में एक दूसरे को सिग्नल दे सके। सीटी गुम होने पर हमें 200 रुपए जुर्माना देना पड़ता है, दूसरे गार्ड ने सादगी के साथ कहा। मैंने फौरन ही जेब से 300 रुपए निकाल कर उसे थमा दिए। 200 जुर्माने के और 100 रुपए तुम्हारे इनाम के, तुमने हमारी एक उलझन दूर कर दी। वो दोनों बाहर निकले ही थे कि गजाला ने सुल्तान शाह की कार की डिक्की में रखा हुआ कुर्दनोश का सामान याद दिला। मुहाफ़िज़ों को पहला इनाम मिल चुका था, इसलिए वो भी सुल्तान शाह के साथ लग गए और 2 ही चक्रों में सारा सामान ड्राइंग रूम में मुंतकिल हो गया। मैंने दरवाजा दोबारा बंद करके बुलेट गिरा दिया। सब लोग अंदर जाने के बजाय ड्राइंग रूम ही में बैठ चुके थे। मैंने भी वहीं एक सोफा संभाल लिया। तुमने यहाँ आने के बाद किस किस को फोन किया था, वीरा ने कहना शुरू किया। मैंने तफसील से उन लोगों को अपनी बेनतीजा कारकर्दगी से आगाह कर दिया। मुखर्जी के मामले में वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। मोतीलाल की लाश की शिनाख्त होने के बाद वो हमारी गिरफ्त में नहीं आ सकेगा। हम और कुछ नहीं कर सकते, तो उसे घेर ही लेना चाहिए। वीरा ने मेरी कहानी सुनने के बाद मुस्तरीबाना लहजे में कहा, हम एक और काम कर सकते हैं। गजाला ने उसे याद दिलाया, एलन का फोन नंबर हमारे कब्जे में आ चुका है। ये दुरुस्त है कि हमारी तरफ से रब्ता होते ही वो इस मकान पर चढ़ दौड़ेगा। अगर हम फोन नंबर से उसके ठिकाने का पता लगा सकें तो हमारा एक ही वार भरपूर साबित होगा। तुम नंबर दे दो, ये काम मैं कर लूंगा, सुल्तान शाह ने पेशकश की। यहाँ नंबरों की तरतीब से छाया होने वाली डायरेक्टरी पर पता नहीं क्या मुसीबत आई हुई है, जो बरसों से नहीं छापी जा रही। वो होती तो 2 मिनट में बैठे बैठे पता मिल जाता, गजाला ने कहा। सुल्तान शाह एलन की कमीनगाह का पता चलाएगा, मैं नारमन के घर का सुराग लगाती हूँ। नारमन इसी घर में रह रहा है तो आज शाम वो अपनी जिंदगी की आखिरी लम्हात पूरे कर लेगा। वीरा ने ड्राइंग रूम में मौजूद इंस्ट्रूमेंट की तरफ बढ़ते हुए कहा, अभी तक वो खन्नास तुम्हारे दिमाग से नहीं निकला, मैंने उसे घूरा। मेरा मनसूबा बेदाग है, विठला कर बोली। गजाला भी मेरा साथ देने पर आमाता है, तुम देखोगे कि हम दोनों नकाबले यकीन महारत और सफाई से अपना काम करके लौट आएंगी। इस मौजू पर एक बार फिर तकरार शुरू होगी। मैं उसे बाज रखना चाह रहा था लेकिन वो अपने इरादे को अमली जामा पहनाने पर तुली हुई थी। पता नहीं उसने गजाला को क्या पट्टी पढ़ाई थी कि वो भी दबे लफ्जों में उसका साथ दे रही थी। सुल्तान शाह कई रोज से इस बहस में उलझने से गुरेज कर रहा था। आखिर मजीद छोकर वहां से निकल खड़ा हुआ और सलमा की ख्वाबगाह की तरफ चल दिया, जहाँ कीमती साजो सामान खुली हुई तिजोरी से बाहर फैला हुआ था। सुल्तान शाह मेरे पीछे पीछे था। कमरे में मौजूद नकदी जेवरात का फैलाव देखकर सुल्तान शाह अंगुश्त बदंदा रह गया। आजकल के दौर में उसने ये सब कुछ घर में रखा हुआ है, काला धन तिजोरियों ही में पलता रहता है। हमारी गन बोर्ड की रकम करोड़ों में है और इसी तिजोरी में पड़ी हुई है। तुम बताओ कि हम इसे कहाँ ले जा सकते हैं, कौन सा बैंक इस रकम को बिला चूचरा किए कबूल कर लेगा। हमें भी इसे लाद कर घूमना होगा, गन बोर्ड के डालरों की तो परवाह ही ना करो, उसने बेफिक्री से कहा। किसी भी बैंक में भाभी के नाम से ला कर लो और पुराने अखबार में छोटे छोटे पैकेट बनाकर डॉलर वहां डाल दो और भूल जाओ, जरूरत पड़े तो इसमें से थोड़ी थोड़ी रकम निकालते रहो। तुमने कमाल कर दिया, ये तो बिल्कुल सामने की बात है, जहांगीर भी इसी तजवीज़ पर अमल कर सकता था। ये सब जल्दी समेटो, वीरा आ गई तो इसमें हिस्सा मांग बैठेगी, दीवाने हो गए हो। ये जहांगीर की अमानत है, इसमें कोई हेर फेर नहीं होगा, लेकिन वो गन बोर्ड की रकम पर हाथ रख सकती है, सुल्तान शाह ने कहा। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत बड़ी रकम है, मैं उसे मायूस नहीं करूंगा। हम दोनों ने तेजी के साथ जेवरात के डिब्बे खाली करके जेवरात यकजा किए। सुल्तान शाह ने खाली डिब्बे तिजोरी के खाने में लगा दिए। मैंने जहांगीर की इन असासों को अच्छी तरह चादर में लपेट कर मसहरी के नीचे सरका दिया। फिर मैंने तकिए का एक पुराना गिलाफ लेकर अपने डालरों की घड़ियां इसमें जमानी शुरू कर दी। मैं किसी मुनासिब वक्त पर इन घड़ियों को नकारा कागजों में लपेटने का इरादा कर चुका था। हम फारिग में नहीं हुए थे कि वीरा तकरीबन दौड़ती हुई वहीं आ पहुंची। जोश मुशर्रत से उसका चेहरा थमथमाया हुआ था। वो किसी गैर मुतवक्का कामयाबी की खबर सुनाने की नीयत से आई थी, लेकिन खुली हुई तिजोरी में से बरामद होते हुए डालरों को देखकर वो हैरान रह गई। उसकी रकम की मालियत को नौखी बात नहीं थी। चीमे अपने अरूज के जमाने में वो इससे भी बड़ी बड़ी रकम एक जुम्बश अब्रू से इधर से उधर कर दिया करती थी। उसका मसला भी सुल्तान शाह वाला था कि जहांगीर को इतनी बड़ी रकम घर में रखने की क्या जरूरत थी। जहांगीर की दीवानगी को छोड़ो और ये बताओ कि तुम क्या तीर मार के आई हो, मैंने कहा। नारमन पहले कहीं और था मगर कुछ अरसा से इसी मकान में रह रहा है, जो मेरा देखा बाला है, वो मसहरी के किनारे पर टिक कर बोली। अब तुम मेरा रास्ता रोकने की कोशिश न करना, मैं रास्ते में से एक अच्छी दूरबीन खरी लाई हूँ, जहांगीर की G3 घर ही में होनी चाहिए। शाम होती मैं गजाला को साथ लेकर अपनी मुहिम पर रवाना हो जाऊंगी। अगर सब कुछ तवक्का के मुताबिक होता चला गया तो हम दोनों 2-2.5 घंटे में फारिग हो जाएंगे। नारमन के लिए G3 की सिर्फ एक गोली काफी होगी। तुम अमारत के किस हिस्से से उसे शिकार करने का इरादा रखती हो, आखिर मैंने उसकी जिद के सामने हथियार डालते हुए पूछा। राइफल और दूरबीन के साथ खुली जगह पर तो नहीं बैठा जा सकता, सड़क के रुख पर बना हुआ एक फ्लैट हमारे लिए मौजूद रहेगा, मैं दूसरी या तीसरी मंजिल के किसी फ्लैट पर ताले आजमाई का इरादा रखती हूँ, वीरा ने किसी तरद्दुद के बगैर जवाब दिया। तुम फ्लैट में घुसोगी, मालूम होता है कि आज तुम खुदकुशी का इरादा कर चुकी हो। खुदकुशी नहीं, नारमन कुशी कहो, वो मुस्कुरा कर बोली। अब मैं तुम्हें पूरा प्रोग्राम ही बता देती हूँ,
हम दोनों को इकट्ठे जाना है। हमारी वजाकता देखकर कोई भी हमें रोकने या हमसे बाजपुरस करने की हिम्मत नहीं करेगा। किसी ने पूछ लिया तो हम एक बैन अल-अक़वामी मार्केटिंग कंपनी के सर्वेयर बन जाएंगे। हमें किसी फर्जी मिस इरम से मिलना होगा। खुली हुई G3 के हिस्से एक मजबूत गिफ्ट पैक की सूरत में मेरे पास मौजूद होंगे। लिफ्ट से 7वीं-8वीं मंजिल पर उतरने के बाद जीनों से नीचे आना है। बाद में किसी को शुबा भी हुआ तो वो हमें ऊपर की मंजिल पर ढूंढता रह जाएगा। दूसरी मंजिल के फ्लैट पर दस्तक के बाद दरवाजा खुलेगा और जरूर खुलेगा। दस्तक या डोर बेल के जवाब में जो भी आई ग्लास से झांकेगा उसे अपने सामने दो मुअज्जज़ खवातीन नजर आएंगी। हम अंदर घुसते ही दरवाजा खोलने वाले को यरमाल बना लेंगे और किसी शोर शराबे के बगैर घर के बकिया अफराद भी एक जगह जमा करके बांध देंगे। ये कार्रवाई गजाला मुकम्मल करेगी। मैं G3 के हिस्से यकजा करके मौजूद रही कमरे की रोशनियां गुल करके उसके बरामदे या खिड़की में पोजीशन ले लूंगी। दूरबीन मेरी आंखों पर होगी। जो ही मुझे नॉर्मन नजर आएगा मैं G3 की नाल खुली फिजा में निकाल कर ब्रस्ट फायर कर दूंगी। खुली फिजा और ऊंची इमारत की वजह से फैलने वाली बाजगश्त की बिना पर किसी को अंदाजा नहीं हो सकेगा कि फायरिंग कहाँ से की गई है। G3 वहीं छोड़कर हमें बाहर निकल आना है। वहां फैली हुई अफरा तफरी में कोई सोच भी नहीं सकेगा कि उसके करीब से गुजरने वाली औरतें कत्ल की वारदात करके आ रही हैं। फस करो कि सब कुछ इसी तरह हो जाता है फिर इस फ्लैट के मकीन पुलिस को तुम दोनों की कहानी सुनाएंगे। हम क्लिफ्टन ही के इलाके में किराए का फ्लैट लेना चाह रहे हैं। क्या इस तरह तुम दोनों की आजादी और सलामती खतरे में नहीं पड़ जाएगी? हेयर स्टाइल और एनको वगैरह के इस्तेमाल से हम खुद को इतना बदल लेंगी कि जुबानी हुलिये से हमारी निशानदेही ना हो सकेगी। उन्होंने मुझे अगवा की हुई मजलूम अमेरिकन लड़की जाहिर करके मेरी बदतरीन तोहीन की है। इन्हें इस अहानत की भारी कीमत अदा करनी होगी। मेरा क्यास है कि पुलिस भटक जाएगी। बाद में जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें मालूम है कि मैं खतरात से नहीं घबराती। तुम इस मंसूबे में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो? मैंने गजाला से पूछा जो इसी वक्त दरवाजे पर आकर खड़ी होगी थी। मुझे इसमें कोई कुबाहत नजर नहीं आती। गजाला ने इत्मीनान से कहा हमको सिर्फ 15 मिनट तक फ्लैट में रुकना है। इस दौरान में नॉर्मन नजर ना आया तो मजीद इंतजार नहीं किया जाएगा। फ्लैट में मर्द और जवान लड़के मौजूद हुए तो क्या बनेगा। हथियार के सामने हर एक की दलेरी धरी रह जाती है। 7:30 बजे अमूमन असुदा हाल मर्द अपने घरों में नहीं होते। ये जुआ हमें खेलना ही होगा। गजाला इस वक्त बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही थी। उसके मासूमाना खतोखाल में भी हल्की सी करख्तगी दर आई थी। इन दोनों के पास मेरे हर सवाल का मुसक्कत जवाब मौजूद था। पूरे मंसूबे में बस एक ही झोल था कि उनके मुंतखब किए हुए फ्लैट में औरतों और बच्चों के बजाय कई मर्द होते और इनके मुकाबले पर कमरबस्ता हो जाते तो वो खून रेजी करके भी वहां से फरार नहीं हो सकती थी। इस मुहिम में शिरकत के लिए तुमने मेरी इजाजत की जरूरत भी महसूस नहीं की। मैंने गजाला को दूसरे ही जाविये से घेरना चाहा। तुम्हें मालूम है कि हमारी औरतें वीरा की तरह खुद मुख्तार नहीं होती। वह हर बड़े फैसले के लिए अपने मर्दों से रजू करती हैं। अब इसे बिला वजह इन दकियानूसी बातों की धोस मत दो, वीरा बरहम होगी। गजाला ने हाथ उठाकर उसे खामोश कर दिया और मुफामाना लहजा बोली अभी तक आप मेरी राय और मर्जी के बारे में पूछते रहे और मैंने पूरी ईमानदारी से जवाब दिए। मेरी अब यही ख्वाहिश है कि मैं इस मुहिम पर जाऊँ। अब मना कर देंगे तो मैं रुक जाऊंगी। शर्म करो, वीरा को फौरन ही मौका मिल गया। इतनी सआदत में बीवी की ख्वाहिश को ठुकरा कर तुम्हें क्या मिलेगा? तुमने आज तक कितनी बार गजाला से कुंडरेजियों की इजाजत ली है? तुम इसके शोहर हो तो वो भी तुम्हारी बीवी है, कोई बांधी नहीं है। तुम इसके साथ ज्यादती नहीं कर सकते। बीजमालो बनने की कोशिश मत करो, सुल्तान शाह ने वीरा को घूरते हुए कहा। मियाँ बीवी की बातों में तुम्हें दखल देने का कोई हक नहीं है। गजाला की बजाय मैं तुम्हारे साथ चला गया तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। औरतों के साथ मर्द भी कंपनियों का सर्वे करते हैं। तुम कौड़ मगज़ हो। पूरे मंसूबे का महवर यही है कि दो औरतों से कोई कहीं बाजपुरस नहीं होगी। गजाला की जगह तुम गए तो हम किसी इमारत में कदम भी नहीं रख सकेंगे। मर्द साथ हो तो औरतों को नजरअंदाज करके हर एक उसकी टांग पकड़ लेता है जबकि आंखों में धूल झोंककर पूरी G3 इमारत में ले जाना बच्चों का खेल नहीं है। मैंने इस मंसूबे की एक एक बात पर बहुत गौर किया है। इस वक्त हमें तखालिया मुयसर होता तो मैं गजाला को सख्ती के साथ इस मुहिम जोई से रोक देता, लेकिन बदकिस्मती से वीरा ने वो जिक्र गलत मौका पर छेड़कर उसे पंचायत का मामला बना दिया था। अपने खौफ और वसवसों की बिना पर सबके सामने गजाला को रोकना मेरी अना के खिलाफ था। तन्हाई में मैं उसे सारे नशीबो फराज समझा सकता था, लेकिन वीरा के सामने ऐसा करना अपना मजहक का उड़वाने के मुतरादिफ होता। मैं तुम्हारी ख्वाहिश को नहीं कुचल सकता, मैंने शिकस्त खोरदा लहजे में कहा। मेरी दुआ है कि तुम दोनों अपने मिशन से कामयाब और कामरान लौटो, लेकिन कोई बुरी घड़ी आ ही जाए तो लम्हा भर के लिए याद कर लेना कि यह तुम्हारी ख्वाहिश थी, मेरी हदायत नहीं थी। गुड, वीरा ने तहसीन अमेज लहजे में कहा। दूध दे ही दिया है तो अब इसमें मेंगनियां न डालो। इन जज्बाती बातों से तुम इसे बहकाने की कोशिश कर रहे हो। यकीन करो कि ये काम सिर्फ मेरे बस का होता तो मैं गजाला को हरगिज अपने साथ न ले जाती। फ्लैट की सिचुएशन कम अज कम दो आदमियों की मुत्तकाजी है, एक यरगमालियों का ध्यान रखेगा और दूसरा नॉर्मन को बाढ़ पर लेने की फिक्र करे। ये गजाला की जिद नहीं, मेरी मजबूरी है। इन दोनों की तो फाते हो गई। सुल्तान शाह ने आखिरी गड्डी मेरे हवाले करके कहा लावा बैलन का फोन नंबर दे दो ताकि मैं इन दोनों की रवानगी से पहले कोई तीर मारकर वापस आ सकूं। वो नंबर इतना अहम था कि एक नजर में मुझे याद हो चुका था। मैंने कागज के एक पुर्जे पर नंबर लिखकर उसकी तरफ बढ़ा दिया।
उसने कागज एहतियात से जेब में रख लिया। मैं यहां से पैदल ही जा रहा हूं, आगे से कोई सवारी ले लूंगा, वो ख्वाबगाह से निकलते हुए बोला। जाओ ड्रॉइंग रूम का दरवाजा बंद कर देना, वीरा ने गजाला से कहा। वो इतनी खबीस फितरत थी कि इस वक्त मुझे और गजाला को तकलीफ में बात करने का मौका नहीं देना चाहती थी। सच बताओ तुम मेरे फैसले पर नाराज तो नहीं हो? मैंने तुम्हें गजाला की अफादीत बता दी है, फैसला हो गया तो अब बार बार ना कुरे दो, मैंने खुश कलेजे में कहा। लगे हाथों ये भी बता दो कि गाड़ी चलाने की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? कोई नहीं, हम रास्ते से कोई कार उठा लेंगे और वापसी पर उसे कहीं भी छोड़ देंगे। अकार्ड वहां हर एक की निगाहों में आ सके, इसकी वजह से कड़ियां मिल जाएंगी, खुदा की पनाह। मैंने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। आज तुम खुली गुंडागर्दी पर तुली हुई हो, चोरी की कार में तुम कहीं भी धर ली जाओगी, ये खतरा छीनी हुई गाड़ियां इस्तेमाल करने वालों को होता है। उसने इस्तेजाइया मुस्कुराहट के साथ मेरी तसीह की। बेकार होने वाला फौरन ही हंगामी नंबरों पर खबर देता है और पल भर में वायरलेस पर वो खबर पूरे शहर में फैला देता है। चोरी की सूरत में घंटों मालिक धक्के खाता फिरता है। हो सकता है कि हमारे फारिग होने तक कार के मालिक को अपनी गाड़ी चोरी होने का इल्म ही ना हो सके। ममुजमहल अंदाज में सलमा की मसहरी पर दराज हो गया। आज तुम्हारा जेन शैतानी खतूत पर काम कर रहा है, पता नहीं रात होने तक तुम क्या क्या गुल खिलाओगी। मुझे मालूम है कि तुम तरबियत याफ्ता कुफल चिकन हो और महज तार की मदद से पेचीदा तरीन ताले भी खोल सकती हो। इनमें तिजोरियों के ताले शामिल नहीं है। वो खुली हुई तिजोरी की तरफ इशारा करके मुस्कुराई। तो इल्म है कि इन तालों को खोलने के लिए मखसूस औजारों की जरूरत पड़ती है। गजाला सुल्तान शाह को रुखसत करके लौट आई। वीरा ने उसे देखते ही अपनी जगह छोड़ दी। दैनी को आराम करने तो हम मिलकर जहांगीर की जीतरी तलाश करते हैं, बहुत कीमती और ममनू बोर की राइफल है। जहांगीर ने उसे किसी कोने खांचे में छुपाया हुआ होगा। गजाला उसकी चालाकी को समझे बगैर उसके साथ हो ली, मगर मेरे लिए वीरा एक खुली हुई किताब बन चुकी थी। मैं समझ रहा था कि शाम की मुहिम खत्म होने तक वो गजाला को मेरे साथ न छोड़ने पर तुली हुई थी। शायद उसे खदशा था कि मेरी लानत मलामत से शर्मसार होकर गजाला आखिरी लम्हात में अपना फैसला न बदलते। सच ये है कि उन दोनों का मंसूबा सुनते ही मेरे लाशौर में एक अनजाने खौफ ने पंजे गाड़ दिए थे। बाद में होने वाली वजाहतें भी मेरे इस खौफ को दूर नहीं कर सकी थीं, मगर मैंने भी अपने दिल पर पत्थर रख लेने का फैसला कर लिया था। महज चंद घंटों की बात थी, वह वक्त गुजर जाने के बाद मैं अच्छी तरह गजाला की गोशुमारी कर सकता था ताकि वो आइंदा ऐसे अमकाना फैसले न करती फिरे। अगर मैं इसे इस वक्त लानत मुलामत करता और वीरा के साथ चली भी जाती तो जेनी पर आगंदगी की वजह से बना बनाया खेल बिगाड़ सकती थी। मैं जुबान खोलकर वो भयानक खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। मैंने बिस्तर पर पड़े पड़े आंखें मूंद ली। रफ्ता रफ्ता मेरे ऊपर कनूदगी की कैफियत तारी होने लगी, मगर फिर फोन की घंटी ने मुझे तेजी से बिस्तर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मैं वहां से उठकर जहांगीर के कमरे में गया तो फोन पर जहांगीर था। अपने मसाइल और खाना बदोशी की वजह से वो फूरी तौर पर सलमा को लाहौर से नहीं बुला सकता था, इसलिए उसने सलमा के एक कजन का पता ले लिया था। उसने कहा कि मैं सारी कीमती अशिया एक ब्रीफकेस में मुंतकिल करके उसके घर पहुंचा दूं, जब भी जरूरत हुई ब्रीफकेस जूं का तूं वापस मिल जाएगा। मैंने उसे बैंक लाकर वाली तजवीज से आगाह किया। इस पर अमल करना जहांगीर के लिए मुमकिन नहीं था। मैंने उसे बता दिया कि अगर लाकर का कोई बंदोबस्त करने में कामयाब हो गया तो सब कुछ उसी में डाल दूंगा, अगर किसी वजह से लाकर नहीं मिल सका तो फिर मुकफ्फल ब्रीफकेस सलमा के कजन को पहुंचा दूंगा। फोन बंद करके मैं वापस वहीं लेट गया। मेरा इरादा जहांगीर ही के ख्वाबगाह पर कब्जा करने का था। वीरा के लिए सलमा वाला कमरा मुनासिब था, सुल्तान शाह जहां चाहता सो सकता था। अंदर से कुछ देर तक वीरा और गजाला की मिली जुली आवाजें आती रहीं। आखिर उन्हें अपनी तलाश में कामयाबी हासिल हो ही गई। वीरा जीतरी लेकर कमरे में ही पहुंच गए। वह बहुत खौफनाक और वजनी हथियार था। वीरा ने अपने सामने ही राइफल की पिनों वगैरह को हिला जुला कर चेक किया और दो मिनट से भी कम वक्त में राइफल को तीन टुकड़ों में तकसीम कर दिया। कुफल चिकनी के लिए जमा किए हुए कई तार गजाला के हाथ में थे। मुझे ये सब तमाशे दिखाने की जरूरत नहीं, मैंने कहा, जो करना है करती रहो, बस मुझे खाने का बंदोबस्त कर दो, औरतों की मौजूदगी में खाने से महरूमी तकलीफ देगी। गजाला मसहरी पर मेरे सरहाने के करीब बैठकर मेरे सर में अपने नरमो नाजुक उंगलियां फेरने लगी। इस वक्त वो बिल्कुल मासूम और सादा लू लड़की नजर आ रही थी। चलो ड्राइंग रूम से सामान भी समेट कर अपनी अपनी जगह पर पहुंचाना है, वीरा बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से गजाला को अपने साथ उलझाए रखने की कोशिशों में लगी हुई थी। तुम चलो मैं आती हूँ, इनसे कुछ बातें करनी है, गजाला ने हंस कर कहा। फिर बातें? तुम दोनों ने पिछली रात होटल में एक जगह रात गुजारी थी, अब कौन सी राजो न्याज की जरूरत पेश आ गई? मैं जा रही हूँ लेकिन जरा जल्दी ही आ जाना। मैं जलकर कहने वाला था कि हमारी वो रात उसके जहन से क्यों चुपकी हुई थी, लेकिन फिर मैं खामोश ही रहा। वो बहुत मुंह फट थी, मेरी बाज कमजोरियों से भी वाकिफ थी। अगर वो मुश्किल होकर उल्टी सीधी बातें शुरू कर देती तो आर्जी तौर पर गजाला को मेरी तरफ से बदगुमान कर सकती थी। आप मेरे फैसले से नाराज तो नहीं है? वीरा के चले जाते ही गजाला ने वालियाना अंदाज में मेरे सीने पर सर रख के सवाल किया। आपका रवैया कुछ उखड़ा उखड़ा सा है, यह तुम्हारा अपना फैसला है, मैं इतना नाराज हूँ और ना खुश हूँ। यही फैसला मशवरे के बाद हुआ होता तो बात कुछ और होती, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, सारी गलती वीरा की है, उसने जानबूझकर बाला ही बाला तुम्हें अपना हम नवाब बना दिया है। फिर मैं इसके साथ नहीं जाती, वो किसी जिद्दी बच्चे की तरह मचल गई, मैं इससे तबीयत की अचानक खराबी का बहाना कर दूंगी, वो मेरी बात मान लेगी,
नहीं, अब तुम्हारा इनकार मुनासिब नहीं होगा, मैं नरमी से कहा। गजाला की खुद सुपुर्दगी ने मेरे दिल का सारा गुबार साफ कर दिया था। पीरा बहुत चालाक और कीना परवर है, वो बहुत जल्द हर बात को अपने आला का मसला बना लेती है और फिर हर कीमत पर अपनी सुबकी का बदला लेकर रहती है। मैं इसके साथ पैदा होने वाली मुफाहमत बरकरार रखना चाहता हूँ, तुम इसके साथ जा सकती हो। आपको इस मंसूबे पर एतराज है? आप कई खतरात की भी निशानदेही कर रहे थे, क्या आप सिर्फ वीरा की खुशनूदी के लिए मुझे इन खतरात में डालना चाह रहे हैं? वो बहुत टेढ़ा सवाल था। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, अपने हौसले के इजहार और हरीफों की हौसला शिकनी के लिए कोई भरपूर कार्रवाई जरूरी है। हर कार्रवाई में खतरात भी पोशीदा होते हैं जिन्हें कबूल करना पड़ता है। इस वक्त नारमन के सिवा कोई और हमारे सामने नहीं है। तुम्हें पूरी यकसुई और जेनी इर्तकाज के साथ वीरा का साथ देना चाहिए। बस इतना जरूर याद रखना कि बात बिगड़ती नजर आए तो उसे बचाने की बजाय सिर्फ अपनी सलामती की फिक्र करना। मौका मिला तो मैं मुखर्जी को जरूर फोन करूंगी, वो भी हाथ आ जाए तो सब लोग बुरी तरह दहशत ज्यादा हो जाएंगे। हो सकता है कि हमारे खिलाफ मुहिम का जोर टूट जाए। कुछ तो खून से तबीयत उकताने लगी है। हम एक दुश्मन का सर कुचलते हैं और दो नए नाम सामने आ जाते हैं। पता नहीं सिलसिला कब तक चलता रहेगा, लेकिन मुखर्जी से तुम जरूर बात करना। अपनी शिनाख्त के लिए तुम कोबरा का पासवर्ड इस्तेमाल कर सकती हो। अंदर से वीरा ने उसे आवाज दी और भागती हुई इसी तरफ चली गई। बिस्तर पर तनहा लेटे लेटे मेरे होंठों पर एक आसूदा सी मुस्कुराहट फैल गई। मुझे अंदर से अपने भरा भरा होने का एहसास हो रहा था।